सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन अनदर ब्लॉग। सो आजपाल मेरे कंधे पे रख सॉरी आजपाल मेरे कंधे पे सर रख के सोना चाहती लगता है। सो कल है जूतिया पूजा। जो लोग यूपी से होंगे उन लोग को पता होगा जूतिया पूजा क्या होती है। तो जूतिया पूजा है और न्यूली मैरिड लोग जो होते हैं वो लोग पूजा में बैठते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं भी हूँ, सो मुझे भी बैठना है। तो मेरी कल विदाई है, उसके लिए आज ही से तैयारी हो रही है। काफ़ी तैयारी मैंने कर ली है और अभी कुछ तैयारी हो रही है। गुजिया बन रहा है तो अभी पायल उधर गुजिया छान रही है और जो भी आटा बचा था क्या बोलते हैं सना हुआ आटा ना, उसका हम लोग वो बना रहे हैं, वो साकर पारा बना रहे हैं। दिखाती हूँ, नमक पारा बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास और भी लोग हैं जो इधर बैठे हुए हैं और इधर एक लोग फैली है जिसको नहीं दिखा सकते क्योंकि बाद में बताते हैं। तो अभी दिखा रही हूँ मैं नमक पारा कैसे बना रही हूँ। सो छोड़ो यार, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सकरपाला बोलते हैं ना, सकरपाला, सेवड़ा, सेवड़ा जो खाते हैं बेवड़ा। तो वो लोग कह रहे हैं वो बना रहे हैं। सो दिखाती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ। आधा तो बना के चिपका भी दी हूँ तो उसको फिर से बनाना पड़ेगा। चलो बनाने। सो ये मैंने चिपका दिया है और ये पायल इसमें, इसको क्या बोलते हैं, अजवाइन। और ये मैं बना रही हूँ, इसमें अजवाइन डाली थी, नमक भी मिला दिया है और ये मैंने चिपका दिया है। तो मैं फिर से चल रही हूँ बनाने। ओके अभी इसको छानने के लिए पायल लेके जा रही है और इधर कढ़ाई में छना भी रहे हैं और उधर छना के रखे हुए भी है। सो ये मैंने इसको गोल कर लिया है, उसको रोल कर अभी इसका कचुम्बड़ बन जाएगा क्योंकि आधे का तो मैंने बना ही दिया था। अभी इसका ट्राई मारती हूँ, अच्छा बन जाए, मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ। ओके, ये हम लोग मनाते हैं इसका हैप्पी बर्थडे। चाकू लाना प्लीज, गाइए हमारे साथ हैप्पी बर्थडे टू यू। मोनी तुम भी गाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रोटी सेवड़े, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे यार कट जाओ, यही हो रहा है। तो पायल ने मुझे इस सेब का काटने के लिए बोला था तो मैंने आधा काट दिया है, अभी और चल रही हूँ बनाने। अब नमक पारे यहाँ पे छन चुके हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। और कब से मीठा खाते खाते यही सब खाने का मन हो रहा था, बस जल्दी से मिल जाए। हंसी तो देखो, अभी मोहित हम लोग को स्टोरी सुना रहा था तो इसकी स्टोरी बहुत मस्त थी। ऐसे जिसको जो कुछ आता है ना तो वो बताते रहे तो अच्छा है ना। गर्दन झिला रहे हैं। तो हम लोग बना बना के फ्री हो गए हैं और मेरा फेस कितना येलो येलो आ रहा है यार, सफ़ेद लाइट है, फिर भी कोई बात नहीं। तो इधर मेरी सारी पैकिंग का सामान रखा है। आज मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसके लिए साड़ी एक निकाली थी, उसको भी रखना है। और ये इयररिंग्स पहने थे मैंने तो भी इसको रख लेती हूँ। अरे यार ये तो ब्लर ब्लर आ रहा है। तो मैंने अपना सारा सामान इसमें एडजस्ट कर लिया है, काफ़ी चीज़ें नहीं एडजस्ट हुई है। तो इधर एक बैग रखा है उसमें रखा है, फिर भी नहीं एडजस्ट हो रही है। अब देखिए कैसे कैसे जाता है और क्या क्या चीज़ें मैंने रखी है। ये वहाँ पर जाके जब मैं अपना सब रखने लगूँगी ना, जब जाके मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी ना तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो अभी पहले पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद मुझे मेहंदी भी लगानी है, पायल को भी लगानी है, मतलब मुझे उसको लगानी है, वो एक हाथ में मेरे लगाएगी क्योंकि एक ही हाथ से मैं लगा पाती हूँ अपने में। सो अभी कौन सी साड़ी कल पहन के जानी है इधर मैंने निकाल के रखा है, पहले ये सब पैक कर लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। ओके, तो मेरी पैकिंग हो गई है। इधर एक सूटकेस, सॉरी, तो मेरी पैकिंग स्टार्ट मतलब ख़त्म हो गई है। ये एक सूटकेस मेरी शादी में आया था वहीं से, इसमें मैंने सारा सामान रख लिया है और बची कुछ चीज़ें इसमें हैं। और ये कल पहन के जाने वाली साड़ी है और ये मेरी चुनरी है और ये मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे, जो अपना ऑर्गेनाइज करूँगी सारा चीज़। उसके लिए आप लोग वेट करना, अगली वीडियो में मैं दिखाऊँगी। और बस सारा चीज़ हो गया, अभी इसमें बहुत कुछ भरना है, बाकी सारे सामान जो है गाड़ी आएगी उसमें भर जाएंगे क्योंकि ज़्यादा सामान है। अरे फोकस करो भाई। तो सामान बहुत ज़्यादा है, विदाई पे बहुत ज़्यादा सामान देते हैं मम्मी पापा, आप लोग को पता ही होगा, जिसकी जिसकी हुई होगी शादी या फिर जिसके घर में हुई होगी। तो और ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, गाड़ी आएगी कल उसमें रखाएगा। और मैंने छोटे छोटे से कुशन, क्या बोलते हैं इसको, कुशन पिलो बनवाए हैं तो वो भी मैं लेके जा रही हूँ। बहुत बहुत अच्छे दिखते हैं और
पर्दे भी मैंने सारे कर्टन बनवाए हैं अपने लिए, तो वहाँ पे जाके जब मैं अपना पूरा ऑर्गेनाइज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी जरूर से, तो उसके लिए भी बने रहना। अभी पैकिंग हो गई है, अभी कुछ देर हम लोग मस्ती करेंगे, फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट करेंगे। ये ब्लॉग जो है वो कल सुबह तक चलेगा, जब तक विदाई होती है, क्योंकि ये विदाई वाला ही ब्लॉग है। सो ज्योतिया पूजा वाले ब्लॉग के लिए आप बने रहना, ओके, आगे देखने को मिलेगा। सो अभी हम लोग चलते हैं, अपना कुछ मनोरंजन भी कर लिया जाए, ठीक। तो अभी मैं पायल को मेहंदी लगा रही थी, अब मेरी बारी है इनका, सॉरी अभी इनकी बारी है, अभी इनको भी लगाना है ना। कैसा मेहंदी लगवाओगी? पायल बुआ की तरह लगवाई। कैसे भी? लगाई। अच्छा, जैसे जैसे लगाए वैसे वैसे लगा देंगे, ठीक है जी। यही सोने के लिए कह रही है और पायल बोल रही है नहीं तुमको यहाँ नहीं सोना है। डगालू को मेहंदी लग गया है तब तो ये तो उठ के नाचने ही लगी है। अरे बस करो नहीं तो मेहंदी बिगड़ जाएगी। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। अरे यहाँ पे डगलू मोनी को मेहंदी लगा रही हूँ और सबको सेम डिजाइन का मेहंदी लगा रही हूँ। उसके बाद मेरे को भी लगाना है। मेरी मेहंदी अभी गड़ गई मेरे नाचने से। पायल की भी मेहंदी लग चुकी है। यहाँ पे फल वल और मिठाइयाँ सारी आके रेडी हो गई हैं। कल की पूजा के लिए भी मम्मी का है आया हुआ और ये बाकी जाने के लिए डगालू चिल्ला रही है। और यहाँ पे चूहा फंसाने के लिए जाल भी लगाया गया है। तो अभी हमारी उल्टे हाथ से हो रही है रिकॉर्डिंग। तो आगे की मेहंदी मैंने लगा ली है और बैक की भी लगा ली है, एक हाथ बाकी है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो एक हाथ बाकी है, अभी पायल लगाने जा रही है। अभी 11 बजने जा रहे हैं, काफ़ी टाइम लगने वाला है। सो अब सीधा कल मिलते हैं या फिर मेहंदी दिखा दे मॉर्निंग में दिखा दूँगी, ओके। अब सीधा कल मिलते हैं। एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, पायल और मम्मी का और डगलू का और मोनी का सबका मेहंदी का डिज़ाइन एक ही में का है, सिर्फ मैंने ही चेंज लगाया है पूरा भरात का। और मैं फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए थोड़ा क्वालिटी ना बेकार जा रही है। ओके, सो अब कल सुबह मिलते हैं, ओके, गुड नाइट। ये सुबह सुबह रोटी लेने आए हैं, अभी बनी नहीं है, अभी नहीं बनी है, बाद में आइएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरी मेहंदी सूख के पूरे बिस्तर पे गिर चुकी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं नहा चुकी हूँ और साड़ी भी पहन लिया है जो मैंने कल दिखाया था। और अभी ये चेंज करने की बारी है जिसको बिछिया बोलते हैं। ये मैंने वेडिंग टाइम से अपने पहनी थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा कलर वलर घुस गया है, ये 3 का सेट था। मैं थंब में भी पहनती हूँ, वो तो एक्सचेंज कर दिया हमने और 3 लिया था ऐसे स्काई ब्लू में, मैचिंग थे। सबसे छोटे वाले का नग गिर गया था तो उसको चेंज कर दिया, बट ये दोनों रखूँगी क्योंकि छोटी निशानी के लिए चीज़ें रखनी चाहिए ना। और अभी मैं पहनने जा रही हूँ ये, और 3 है, मैं 4 फिंगर्स में पहनती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पहनने के बाद। अभी मम्मी आएंगे तो पहनेंगे मुझे। आ गई मम्मी। और हम लोग के बड़े वाले होते हैं ना जिसमें सब बिस्तर उस्तर खाते, उसमें चूहा घुस गया था। मम्मी उसका पूछ रख दी थी, बार बार एक ही चूहा घुस जाता था, उसका पूछ रख दी थी कि पता चल गया वही आया था। मम्मी यहाँ हमको पहनाने में लगी हैं क्योंकि ये सब अपने बस की चीज़ें नहीं होती अकेले के पहनने। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनमें से कौन सा पहन, एक तो पहन लिया है, अब पैर में कुछ हो गया है उसको मैं पहन दूँ। पहनते हो गया है, अब ये ही पहना है। मैचिंग ये निकाल लिया मैंने पुराना वाला, ये सबसे छोटे। तो ये पहन लिया इस उंगली में, 20 का बाकी है, अभी इसमें बाकी है। अभी मैं चल रही हूँ माइग्लैम की नेल पॉलिश लगाने, जो कि पायल की है, मुझे भी गिफ्ट में मिली है, बट मेरा इस कलर का नहीं है, मतलब मैचिंग करने लायक। तो अभी मैं ये लगा रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी गाड़ी का इंतजार हो रहा है, गाड़ी आएगी तो मुझे। अरे मम्मी हम उठे मैं कमी ना हुआ हुआ दे है मैं मेहंदी ये पायल राधा मम्मी हम ले रहे हैं।
चुनरी भी रखी है उड़ के जाने वाली, हो सकता है पायल भी आए, हो सकता है पायल आओगी कि नहीं कह रही है पता नहीं। गाइस मैंने बाल भी नहीं झाड़े क्योंकि मेरे बाल ना गीले हैं, तो मैं वहीं जाके झाड़ लूंगी अभी, बस ऐसे ही मुंह ढक के जाना है तो कोई बात नहीं। और मम्मी यहाँ पे मेरा पहना रही है थम वाला जो मैं भूल गई थी पहनना। 500 का लगा था, ये 500 का है, थम का रिंग दादी देख रही है। मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है। मम्मी मैंने एक हाथ में दूसरे रंग का नेल पेंट लगाया है और एक हाथ में दूसरे रंग का। पता पूछ रही है आपसे आप आएंगी कि नहीं पूजा में, पता नहीं पता नहीं। मेहंदी इसकी मस्त लाल हुई है, मेरी तो भी, अरे मेरी भी अच्छी लाल हुई है, इसकी मैंने लगाई थी। काली हो गई है, काली पीछे नहीं लगवाई है बेचारी, लगवाए लगा है प्रूफ है मेरे पास, हम जाने लगेंगे ना थोड़ा समय। तो हमारी पैकिंग हो गई है तो अब मैं निकलने जा रही हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जो मैं पहुँच जाऊँगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बने रहना वहाँ के पूजा ब्लॉग के लिए भी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी भाभी इधर टहल रही हैं मुड़क के, मम्मी वहाँ पे है। पायल यहाँ हमारे कुशन को ले जाने की कोशिश कर रही है, एक साथ चालू है नहीं है। मैं इनके भी फ़ोन में ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग इनके चैनल में देख सकेंगे। वाह पायल बोलो हाय, दगलू हाय बोलो, पप्पी दे दो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये।